करीब 12 साल बाद वैजनाथ राम की मंत्री के रूप में वापसी हुई है। उन्हें फिर शिक्षा मंत्रालय मिला है। बीजेपी की सरकार में भी वो इस विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। एक बार फिर उन्होंने अपने मंत्रालय के पदभार को संभाला है। मौके पर वैजनाथ ने कहा, इंडिया अलायंस की मजबूती है कि आज सत्य की जीत हुई और हेमंत सोरेन की वापसी हुई। बस अब मिलकर काम करने की जरूरत है। बारह साल बाद विधायक वैद्यनाथ राम एक बार फिर से राज्य के नए शिक्षा मंत्री बने हैं। जाहिर सी बात है, गुलदस्ताओं के आदान प्रदान का सिलसिला तमाम लोग आज सुबह से ही वैद्यनाथ राम के आवास पे मौजूद हैं और लगातार गुलदस्ता देने का सिलसिला जारी है। सर, आपको बहुत बधाई। एक बार फिर से वही विभाग जिसका रग रग आप जानते हैं। सही बात है, पहले शिक्षा में काम किया हूँ और संयोग से मुझे उसी विभाग का प्रभार मिला है, तो मेरी कोशिश होगी पहले जो स्थिति थी उससे और बेहतर स्थिति में हम शिक्षा विभाग को पहुंचा सके, जो टीम बनी है उस टीम में बेहतर काम हो और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लोग राज्य को एक बेहतर स्थिति में ला सकें। शुरू से ये प्रयास रहा है, लेकिन कुछ राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण बीच बीच में कहीं ना कहीं स्लो हुआ है गति, तो उस गति को अब स्लो नहीं होने देना है। चूंकि सारे षड्यंत्रों को हमने तोड़ा है और सारे षड्यंत्रों को तोड़कर और फिर से स्थापित हुए हैं मुख्यमंत्री, और अब उनकी पूरी टीम पूरी फौज तैयार है राज्य को बेहतर दिशा में ले जाने के लिए। जैसे तो हो सकता था कि कुछ हो सकता था, कोई परेशानी नहीं होती, सब कुछ स्मूथली चलता, लेकिन एक सिद्धांत के साथ समझौता करना पड़ता। हेमंत जी ने समझौता नहीं किया, झुके नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। चूंकि ये राजनीतिक संकट था, इस राजनीतिक संकट के दौर से मजबूती से बाहर निकलना कानूनी तौर पर, और जिस प्रकार से न्यायालय ने कहा कि तोतों के पास कोई प्रमाण नहीं था, फिर भी उन्होंने जेल में रखने का काम किया, तो बहुत बड़ी बात है। हेमंत सोरेन ये थे राज्य के नए शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम। फुल कॉन्फिडेंस की सरकार की वापसी होगी, कैसे होगी, ताकत कौन लोग बनेंगे, फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन यह तय मानकर चलिए कि वैद्यनाथ राम का विश्वास पूरी तरह से सरकार वापसी को लेकर दिख रहा है। कर्मन देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।